हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज बताएंगे जेएसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट, ये आपका सेट नंबर आपका क्या है, सेट नंबर 14 है। स्टूडेंट, सेट नंबर 14 में आपका 11 प्रॉब्लम दिया गया। स्टूडेंट, 11 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप, और 11 तरह का कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ये इस तरह का प्रॉब्लम यदि एग्जाम हॉल में आए तो आपको कैसे बनाना है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये आपका 11 प्रॉब्लम को आपने कॉपी में नोट्स करना है, और इसका आंसर को क्या करना है, जिस तरह बताएंगे उसको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम यदि एग्जाम हॉल में मिले तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो चले स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 1 को देखते हैं। आपका देखो 4 1.5 सेल है, कितने हैं 4 आपका 1.5 सेल है, कितना 1.5 वोल्ट का क्या है 4 सेल है, 4 1.5 वोल्ट सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल द आउटपुट वोल्टेज इज, इसका मतलब स्टूडेंट यदि 4 गो सेल है और ईच एंड एवरी सेल का जो आपका पोटेंशियल है वो आपका क्या है 1.5 वोल्ट है, और इसका जो कनेक्शन है वो कैसा कनेक्शन है, पैरेलल में कनेक्शन है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो आपको बता चुके स्टूडेंट, क्योंकि पैरेलल में आपका वोल्टेज क्या होता है सेम होता है, आपको बता चुके हैं। तो 4 गो सेल को यदि हम लोग कनेक्टेड करेंगे पैरेलल और आउटपुट वोल्टेज को देखने का कोशिश करेंगे, तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा स्टूडेंट 1.5 वोल्ट ही होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन कुछ इस तरह करके होगा। देखो ये आपका क्या है, 4 गो सेल है, 4 गो क्या है सेल है, और चारों का कनेक्शन कैसा है पैरेलल है, चारों का कनेक्शन कैसा है पैरेलल है, तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वही चीज़ आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। ठीक है, 4 गो सेल है और ये आपका कनेक्टेड कैसा है पैरेलली कनेक्टेड है, और ईच एंड एवरी सेल का जो पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट है, ये भी आपका 1.5, ये भी आपका 1.5 स्टूडेंट, ये भी आपका क्या है 1.5 वोल्ट, और ये भी आपका क्या है 1.5 वोल्ट है। अब बोल रहा है कि इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा यदि चारों सेल पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो आपका एक सेल का पोटेंशियल होगा वही आपका क्या होगा आउटपुट होगा। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या होगा स्टूडेंट 1.5 वोल्ट हो जाएगा, 1.5 वोल्ट हो जाएगा। जब आपका चारों सेल यदि पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा 1.5 पे होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज आपका क्या होता है समान होता है। यही स्टूडेंट यदि 4 वो सेल सीरीज में कनेक्टेड होता और आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए बोलता तो क्या करते, 4 सेल्स को मल्टीप्लाई कर लेते। ये पैरेलल के जगह पर स्टूडेंट यदि सीरीज बोलता, अब बोलता कि 4 गो सेल है और सीरीज में कनेक्टेड है, इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो आपको क्या करना होता है स्टूडेंट, इसको ऐड करना पड़ता, मतलब ये आपका 1.5, ये भी आपका क्या होता 1.5, ये भी आपका 1.5, ये भी आपका 1.5, तो आपका इसका आउटपुट वोल्टेज यदि बोलता कि ए और बी के बीच में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो सभी सेल का पोटेंशियल को क्या करते हैं स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करते हैं तो 15 15 15 15 हो जाता आपका, क्या हो जाता है स्टूडेंट 6 वोल्ट आ जाता, कितना वोल्ट आ जाता 6 वोल्ट आ जाता। यदि सीरीज में कनेक्टेड होता तो सभी को क्या कर लेते ऐड कर लेते, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता 6 वोल्ट होता, इसका मतलब आंसर क्या हो जाता बी हो जाता। बट ये आपका पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलल में यदि आपका 4 नहीं एन नंबर ऑफ सेल भी यदि हम लोग पैरेलल कनेक्टेड करेंगे तो आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा एक सेल के बराबर होगा, मतलब 1.5 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा 1.5 होगा। आपको नोट पॉइंट करके याद रखना है कि पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम होता है, क्या होता है पैरेलल में आपका वोल्टेज क्या होता है सेम होता है। एक सेल का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही क्या होगा आउटपुट वोल्टेज होगा, उतना ही क्या होगा आउटपुट वोल्टेज होगा। ए स्टूडेंट यदि सीरीज में रहता तो जितना सेल कनेक्टेड रहेगा, यदि आपका 10 सेल सीरीज में कनेक्टेड होता तो 10 गुना क्या कर लेते 1.5 कर लेते, या आपका 4 सेल यदि सीरीज में रहता तो 4 गुना 1.5 कर लेते, तो आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट 6 वोल्ट आ जाता। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, पैरेलल में आपका क्या होता है वोल्टेज सेम होता है, और सीरीज में क्या होता है आपका वोल्टेज का क्या होगा एडिशन होगा, जैसे जैसे जितना सेल रहेगा और जितना आपका वोल्टेज दिया जाएगा उससे क्या कर लेंगे स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। पैरेलल में आपका क्या होता है वोल्टेज क्या होता है सेम होता है, इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना होगा याद रखना होगा, इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना होगा याद रखना होगा, याद रखोगे तो ये आराम से बन जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट पहला नंबर प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो क्या होगा 1.5 होगा। चलो दो नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एक्टिव एलिमेंट ऑफ द सर्किट, एक्टिव एलिमेंट
किस तरह के सर्किट को बोलेंगे स्टूडेंट? एक्टिव एलिमेंट उस तरह के सर्किट को बोलेंगे जो सर्किट को क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उस तरह के एलिमेंट को क्या बोलेंगे? एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। एक्टिव एलिमेंट में आपका एग्जांपल हो जाएगा स्टूडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सब आपका क्या है? एक्टिव एलिमेंट है। क्या है आपका? एक्टिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट का जो एग्जांपल होगा वो आपका रेजिस्टेंस होगा स्टूडेंट। रेजिस्टेंस के बाद आपका क्या हो जाएगा? कैपेसिटर हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा। इस तरह के एलिमेंट को स्टूडेंट क्या बोलेंगे हम लोग? पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? क्या बोलेंगे? पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। तो इसका मतलब है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एक्टिव एलिमेंट ऑफ ए सर्किट। एक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा स्टूडेंट? आइडियल करंट सोर्स जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। इसको क्या करना है स्टूडेंट? टिक आउट करना है। क्या करना है? टिक आउट करना है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर जो होगा वो आपका क्या होगा स्टूडेंट? पैसिव एलिमेंट होगा। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है क्या? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर जो होगा वो कैसा एलिमेंट होगा? आपका पैसिव एलिमेंट होगा। क्या होगा स्टूडेंट? पैसिव एलिमेंट होगा। आपको क्या करना है? याद रखना है। आपको क्या करना है? याद रखना है। R का मतलब रेजिस्टेंस, L का मतलब क्या हो गया? इंडक्टेंस, और C का मतलब क्या हो गया? कैपेसिटर। ये आपका क्या एलिमेंट होता है स्टूडेंट? पैसिव एलिमेंट होता है। एक आपका ट्रांसफार्मर भी जो होता है स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर जो होता है वो भी आपका क्या होता है? ट्रांसफार्मर जो होता है वो भी आपका क्या होता है? पैसिव एलिमेंट होता है स्टूडेंट। आपको क्या करना है? याद रखना है। ट्रांसफार्मर कैसा एलिमेंट है? पैसिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि डायोड कैसा एलिमेंट है, तो आपको बोलना है एक्टिव एलिमेंट। डायोड, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये कैसा एलिमेंट है स्टूडेंट? डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? आपका एक्टिव एलिमेंट है। आपको याद रखना है, ये सब आपका एग्जांपल में पूछा जा सकता है कि आपसे पूछ देगा कि ट्रांजिस्टर कैसा एलिमेंट है, तो आपको बोलना है एक्टिव एलिमेंट है। डायोड कैसा एलिमेंट है? एक्टिव एलिमेंट है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर कैसा एलिमेंट है? पैसिव एलिमेंट है। ये सब करके आपको नोट पॉइंट करके याद रखना है स्टूडेंट। वोल्टेज सोर्स कैसा यूनिट है? वोल्टेज सोर्स कैसा एलिमेंट है? वोल्टेज सोर्स कैसा एलिमेंट है स्टूडेंट? तो आपको बोलना है एक्टिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? एक्टिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? एक्टिव एलिमेंट है। इसको आपको क्या करना होगा स्टूडेंट? नोट पॉइंट करके आपको याद रखना होगा कि वोल्टेज सोर्स हो गया आपका, करंट सोर्स हो गया, ये सब आपका क्या है? करंट सोर्स हो गया, और वोल्टेज सोर्स के बाद स्टूडेंट क्या लिखना है? करंट सोर्स। करंट सोर्स भी क्या है आपका? एक्टिव एलिमेंट है। करंट सोर्स हो गया, ये आपका क्या है स्टूडेंट? क्या है? एक्टिव एलिमेंट है। अपने नोट कॉपी में ये सब चीज को आपको लिख लेना है। ठीक है, ये आपका क्या है? नोट पॉइंट बन रहा है। इतना सारा चीज को आपको याद रखना है कि यदि आपसे पूछे तो आपको बता सको। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस पैसिव एलिमेंट होता है, ट्रांसफार्मर पैसिव एलिमेंट होता है, डायोड, ट्रांजिस्टर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सब क्या है स्टूडेंट? एक्टिव एलिमेंट है। इसका मतलब दो नंबर का प्रॉब्लम जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं। चलो स्टूडेंट, आप प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायर हैज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस? हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसका होगा स्टूडेंट वो पूछ रहा है कि आपका हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसका होगा। कुछ कंडीशन दिया गया, चार वो ऑप्शन दिया गया है, तो अब हाईएस्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई क्या होगा? ए होगा। तो रो तो निर्भर करता है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल पर। अब देखो रेजिस्टेंस किस पर अब होगा? एल बाई क्या होगा? ए होगा। जिसका एल ज्यादा होगा, एरिया कम होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? एरिया है। चलो अब देखते हैं एल बाई ए किसका ज्यादा हो रहा। अब देखो स्टूडेंट आर इज इक्वल टू 5/2 क्या हो जाएगा? 2। इसका लेंथ कितना है? 5 है, और एरिया कितना? 2 है। इसका मतलब 5/2 क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब इसका वैल्यू जो आ जाएगा स्टूडेंट मोटा मोटी 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 2.5 आ जाएगा। अब देखो पहला ऑप्शन को चेक कर लिया, अब दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे स्टूडेंट। दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे तो 1/6 होगा। 1/6 क्या होगा? 6 होगा। 1/6 क्या होगा? 6 होगा। अब देखो तीसरा ऑप्शन को चेक करेंगे स्टूडेंट, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। एल कितना है स्टूडेंट? 8 है, और आपका एरिया कितना? 1 है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा 8 के बराबर आ जाएगा। 8 के बराबर आ जाएगा। इसका कितना आया? 2.5 आया। ये आपका 1/6 आया। अब देखो ये लास्ट वाला डी वाला क्या हो जाएगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। एल 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 कितना हो जाएगा? 6। 1/2 कितना हो जाएगा? 6। इसका मतलब स्टूडेंट आप समझो कि आपका रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा। तो देखो यहां पर सरासर जिसका आपका लेंथ ज्यादा होगा और एरिया कम होगा। इसका लेंथ क्या है? ज्यादा है, और एरिया क्या है? कम है। इसका मतलब है एल्युमिनियम वायर का क्या होगा आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। एल्युमिनियम वायर का क्या होगा रेजिस्टेंस आपका क्या होगा? ज्यादा होगा। 8 मीटर 1 mm का क्या स्क्वायर है। इसका मतलब स्टूडेंट आपको याद रखना होगा, इस तरह करके याद रखना होगा।
हाईएस्ट रेजिस्टेंस, जिसका लेंथ ज्यादा है और एरिया कम रहेगा, उस मटेरियल का क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब इसका लेंथ ज्यादा है, देखो 5 मीटर, 1 मीटर, 8 मीटर, 1 मीटर, तो 8 मीटर क्या है, ज्यादा है। और आपका एरिया क्या है इसका, 2 mm का स्क्वायर है, 6 mm का स्क्वायर है, 1 mm का स्क्वायर है, 6 mm का स्क्वायर है। मतलब ये वाला क्या है स्टूडेंट, इसका एरिया कम है और लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। चलो स्टूडेंट अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पर। प्रॉब्लम नंबर 4 आपका लॉजिक गेट का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आपको क्या करना, सॉल्यूशन करना कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। अब देखो आपका क्या दिया गया, 4 गो गेट दिया गया है। तो 4 गो गेट कुछ इस तरह करके कनेक्टेड है स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा, आपको बता चुके थे कि ये आपका क्या है, ये कौन सा गेट है, तो आप बोलोगे नैंड गेट है। कौन सा गेट है, नैंड गेट है, ठीक है, कौन सा गेट है, नैंड गेट है। इसका आउटपुट पूछ रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट पूछ रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा, तो आप बताओगे कि इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। सॉल्व करके बताना है, ऐसे आपको याद रखना है कि इसका आउटपुट क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट आप याद रखोगे तो आपका टाइम का क्या होगा, सेविंग होगा। ए और बी स्टूडेंट नैंड गेट है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट आ जाएगा, ये आपका ए आ जाएगा, ये आपका स्टूडेंट ए इंटू बी का होल कंप्लीमेंट होगा, ये आपका ए बी का क्या होगा स्टूडेंट, होल कंप्लीमेंट होगा, ये आपका बी होगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ए और क्या हो जाएगा, ए बी का कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट आ जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर हो जाएगा आपका बी और क्या हो जाएगा, ए बी का क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट का क्या हो जाएगा, होल कंप्लीमेंट हो जाएगा। यहां पर डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे स्टूडेंट, तो ए कंप्लीमेंट और प्लस क्या हो जाएगा, ए बी का कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा स्टूडेंट ए कंप्लीमेंट प्लस क्या हो जाएगा, ए और क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट आपका हो जाएगा सिमिलर स्टाइल में बी कंप्लीमेंट प्लस क्या हो जाएगा, ए बी का कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट, इसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट बी कंप्लीमेंट और क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको आपको बताए थे कि बी एकलौता है, तो बी कंप्लीमेंट का पेयर एक बार ए के साथ लगाएंगे और एक बार बी कंप्लीमेंट को किसके साथ लगाएंगे, बी के साथ लगाएंगे, ठीक है। इसका वैल्यू 1 होता है स्टूडेंट, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट आ जाएगा। इसको भी करेंगे स्टूडेंट तो ए कंप्लीमेंट प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको बता चुके थे इसका वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब हो जाएगा ए कंप्लीमेंट प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी आ जाएगा। ऊपर वाला टर्मिनल ए कंप्लीमेंट प्लस बी होगा, नीचे वाला टर्मिनल ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट होगा। इसका मतलब यहां का आउटपुट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप बोलोगे कि ए कंप्लीमेंट प्लस क्या हो जाएगा, बी, और क्या हो जाएगा आपका ए और बी कंप्लीमेंट का क्या हो जाएगा, होल कंप्लीमेंट आ जाएगा, वही आपका क्या होगा, वाई का आउटपुट होगा। चलो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए कंप्लीमेंट ए हो जाएगा, और ए कंप्लीमेंट और क्या हो जाएगा, बी कंप्लीमेंट हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, बी और बी कंप्लीमेंट हो जाएगा। आपको बता चुके थे स्टूडेंट ए और ए कंप्लीमेंट का वैल्यू 0 होता है, बी बी कंप्लीमेंट का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब वाई का जो वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट और क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ये आपका नीचे वाला जो टर्म है स्टूडेंट, ये एक्सक्लूसिव क्या है, नॉर गेट है, उसका कंप्लीमेंट है। इसको बता चुके थे कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट का कंप्लीमेंट होगा तो एक्सक्लूसिव और गेट होता है। एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट का एक्सप्रेशन स्टूडेंट क्या होता है, ये होता है। इसका मतलब है आपका आउटपुट का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, ये होगा। कौन सा ऑप्शन होगा स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम का आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहां से लेके इस प्रॉब्लम का क्या है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपको याद रखना है। यदि इस तरह का गेट बना हुआ है तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट का जो आपका आउटपुट का एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा, ए कंप्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू क्या होता है, बी कंप्लीमेंट होता है। ये प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, 4 का ए आ जाएगा। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। चलो स्टूडेंट अब प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या बोल रहा है, 5 का प्रॉब्लम भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, 5 का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसको आपको याद रखना होगा कि 5 का प्रॉब्लम यदि आ जाए तो किस तरह आपको सॉल्व करना है। 5 का प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आराम से नोट्स बनाएंगे और आप समझते जाएंगे, ठीक है। अब देखो 5 का प्रॉब्लम क्या बोल रहा है स्टूडेंट, व्हिच सेमीकंडक्टर डिवाइस बिहेव लाइक 2 SCR। 2 SCR किस में होता है स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो 2 SCR, SCR का आप देखो, SCR का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। SCR का मतलब होता है स्टूडेंट, फुल फॉर्म पूछे तो आपको लिखना है सिलिकॉन, आप नोट्स बनाओ, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या बोलेगा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का मतलब होता है SCR। अब देखो स्टूडेंट, SCR का सिंबल क्या होता है तो आपको याद रखना होगा, SCR क्या होता है, एक स्पेशल टाइप्स का डायोड है। यहाँ पर क्या होगा, ऐसे बना लेना, ठीक है। डायोड का सिंबल होता है, डायोड में एनोड होता है और कैथोड होता है। डायोड में गेट टर्मिनल नहीं होता है स्टूडेंट, बट SCR में क्या होता है, गेट टर्मिनल होता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर गेट लगाएंगे। ये सिंबल जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, SCR हो जाएगा। SCR का मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। आपसे पूछेगा कि SCR का सिंबल क्या होता है, तो ये होता है। SCR में आपका क्या
होता है एनोड, कैथोड और क्या होता है गेट होता है। कितने टर्मिनल्स होते हैं तो आपको बोलना तीन टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड और एक क्या होता है स्टूडेंट गेट होता है। इसको क्या बोलेंगे, एससीआर बोलेंगे। अब क्या बोला, व्हिच सेमीकंडक्टर डिवाइस बिहेव लाइक ए टू एससीआर, किसमें दो एससीआर की तरह बिहेव करेगा, तो ट्रायोक ट्रैक 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 जो स्टूडेंट ट्रायोड प्लस एसी जो होता है वो ट्रैक होता है। तो ट्रैक का जो सिंबल होता है स्टूडेंट आपको याद रखना होगा, ट्रैक ट्रैक का जो सिंबल होता है उसका जो सिंबल होता है इसका फुल फॉर्म होगा ट्रायोड एसी, फुल फॉर्म होगा ट्रायोड एसी। ट्रायोड एसी का जो सिंबल होगा स्टूडेंट कुछ नहीं है, आपको दो एससीआर बनाना है, दो एससीआर में दो डायोड बनाना है ऐसे करके, एक डायोड ऐसे बना लेना है ठीक है, और एक डायोड क्या बना उल्टा बनाना है ठीक है, एक डायोड क्या बनाना उल्टा बनाना है। दो डायोड हो गया स्टूडेंट, आप ही देखो दो डायोड बना कि नहीं, इसमें आपका दो डायोड बनता है, दो डायोड बनेगा और यहाँ पर दो टर्मिनल लिखना है, एक टर्मिनल नीचे और एक टर्मिनल वन ठीक है। ये मेन टर्मिनल क्या हो जाएगा, मेन टर्मिनल वन हो जाएगा और इसको बोलेंगे स्टूडेंट मेन टर्मिनल क्या बोलेंगे टू बोलेंगे। इसका मतलब है और एक आपका क्या होगा, और आपका एक क्या होगा गेट टर्मिनल होगा, और आपका स्टूडेंट क्या होगा एक गेट टर्मिनल होगा। तो ये आपका क्या हो गया ट्रायोड और एसी का क्या हो गया सिंबल हो गया। इसमें देखो स्टूडेंट एनोड एनोड कैथोड यहाँ मेन टर्मिनल वन इसीलिए बोल रहे हैं स्टूडेंट, यदि ये पॉजिटिव होगा तो उस रिस्पेक्ट में निगेटिव होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो एनोड होगा, ये आपका कैथोड होगा और ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट गेट टर्मिनल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग एनोड और कैथोड नहीं देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के आधार पर एनोड और कैथोड डिसाइड होगा। इसका मतलब ट्रायोड एसी का जो सिंबल होगा स्टूडेंट ये होगा, ट्रायोड एसी जो होता है वन टाइप्स ऑफ क्या होता है एससीआर होता है, इसमें दो एससीआर क्या होता है एंटी पैरेलल कनेक्टेड होता है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, व्हिच सेमीकंडक्टर डिवाइस लाइक टू एससीआर, आपको याद रखना है ट्रायोड प्लस एसी मतलब ट्रैक जो होगा वो आपका क्या होगा टू एसीआर की तरफ बिहेव करेगा। आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एम का मतलब मेटल, ओ का मतलब ऑक्साइड, एस का मतलब सेमीकंडक्टर, एफ का मतलब फील्ड, ई का मतलब इफेक्ट, टी का मतलब ट्रांजिस्टर। जेफेट का स्टूडेंट फुल फॉर्म पूछ सकता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, आपको याद रखना है। यूजेटी का फुल फॉर्म होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्या होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। इसका मतलब दो एसीआर की तरफ कौन बिहेव करेगा ट्रैक करेगा। आप देखो स्टूडेंट आपका डायक डायक जो होता है डायोड प्लस एसी होता है, इसका भी आपसे पूछा जा सकता है कि डायक का सिंबल क्या होता है, बेहद इंपॉर्टेंट है बेहद इजी है, कुछ नहीं करना है, दो आपको क्या करना है एससीआर बना लेना है एंटी पैरेलल। देखो स्टूडेंट ये आपका क्या दो एससीआर है एंटी पैरेलल है, बट डायक में आपका गेट टर्मिनल नहीं होता, आपको याद रखना होगा ये आपका क्या हो गया मेन टर्मिनल, इसको टू मान लिए स्टूडेंट और इसको क्या मान लिए मेन टर्मिनल क्या मान लिए वन मान लिए। इसका मतलब ये जो सिंबल होगा स्टूडेंट डायक का सिंबल होगा। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रैक एंड डायक, ट्रैक और डेक में डिफरेंस यही है स्टूडेंट, डेक में आपका गेट टर्मिनल नहीं होगा और ट्रैक में आपका क्या होगा गेट टर्मिनल होगा। ये पूछा गया है तो हम एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं, इसको यहां तक से लेकर यहां तक को क्या करना है नोट डाउन करना है। एससीआर का सिंबल ये होता है, ट्रैक का सिंबल ये होता है, डेक का सिंबल ये होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैक एंड डेक, ट्रैक में आपका स्टूडेंट गेट टर्मिनल होता है, डेक में आपका क्या होगा गेट टर्मिनल नहीं होगा, आपको याद रखना होगा। चलो आगे क्यों चलते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एक्टिव एक्टिव क्या स्टूडेंट एक्टिव डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक्टिव डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कौन सा है। ट्रांसफार्मर आपको बता चुके हैं स्टूडेंट ये आपका पैसिव डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल हीटर आपका पैसिव डिवाइस है, लाउड स्पीकर आपका पैसिव डिवाइस है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो है स्टूडेंट ये आपका क्या है एक्टिव डिवाइस है, आपको याद रखना होगा। आपको इस तरह का प्रॉब्लम को क्या करना होगा याद रखना होगा, इस तरह का प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, यदि आपको आंसर पता है तो आप टिक आउट कर पाओगे और यदि आपको आंसर पता नहीं है तो आप टिक आउट नहीं कर पाओगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए स्टूडेंट क्या करना होगा आपको याद रखना होगा बहुत सारा चीज स्टेटमेंट, बहुत सारा चीज का स्टेटमेंट को याद रखना होगा, तभी जाके इस तरह का प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो सॉल्विंग कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं स्टूडेंट उसको भी नोट करना, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको क्या कर रहे हैं लिखवा दे रहे हैं। चलो सात नंबर, एन एम्पलीफायर हैज ए गेन, अब देखो स्टूडेंट इसमें कुछ कुछ चीज बताएंगे, ए एम्पलीफायर गेन दिया गया इतना व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिबल स्केल, किसी भी गेन यदि दिया गया स्टूडेंट गेन दिया गया गेन का यदि डेसिबल स्केल में कन्वर्ट करना है तो गेन इज इक्वल टू होगा 10 log 10 बेस 10 log 10 मतलब बेस 10 और आपको क्या लिखना है स्टूडेंट गेन लिखना है, क्या लिखना है गेन लिखना है, गेन लिखना जो गेन दिया गया। इसका मतलब ये जो कैलकुलेशन करके आएगा स्टूडेंट ये आपका डेसिबल स्केल में आएगा डीबी स्केल में आएगा। यदि स्टूडेंट आपका ये तो गेन का फॉर्मूला हो गया, यदि आपसे पूछे वोल्टेज गेन इन डीबी स्केल तो आपको लिखना है वोल्टेज गेन इन डीबी स्केल, वोल्टेज गेन डीबी स्केल डेसिबल स्केल, इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट 10 क्या हो जाएगा 10 log 10 और आपका क्या हो जाएगा ए भी हो जाएगा जो वोल्टेज गेन दिया गया स्टूडेंट ठीक है। यदि करेंट गेन पूछे स्टूडेंट क्या पूछे करेंट गेन पूछे इन डीबी स्केल तो आपको याद रखना होगा स्टूडेंट डीबी स्केल पूछे तो आपको कुछ नहीं करना 10 log
10 और क्या लिखना, A का मतलब गेन और I का मतलब करंट, ठीक है। ये आपको करंट गेन दे देगा स्टूडेंट, ये आपका वोल्टेज गेन दे देगा, ये फॉर्मूला विद द डीबी स्केल, विद द डीबी स्केल। यदि स्टूडेंट आपको पावर गेन निकालने के लिए बोलेगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। इन डीबी स्केल क्या हो जाएगा आपका 20 log 10 और क्या हो जाएगा गेन, गेन विद द पावर, पावर गेन। यदि स्टूडेंट पावर गेन दिया गया है आपको डीबी स्केल में पावर गेन निकालना, तो यहाँ पर क्या होगा 20 होगा, ये आपको याद रखना, ये कन्फ्यूजन करेगा। पावर में 20 होता है, करंट में 10 होता है और वोल्टेज में क्या होता है 10 होता है। बाद बाकी सभी चीज़ क्या होगा सिमिलर होगा, बाद बाकी सभी चीज़ क्या होगा सिमिलर होगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो स्टूडेंट अब गेन निकालने बोल रहा है इन द डीबी स्केल, ये आपका नोट पॉइंट करके आपका रहना चाहिए आपका नोट्स कॉपी में, ये 7 नंबर का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। चलो स्टूडेंट गेन इन डीबी स्केल निकालना है, तो गेन इन डीबी स्केल फॉर्मूला लगाएंगे, जो ऊपर वाला है 10 लॉग हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर हो जाएगा आपका 10 और ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा। चलो स्टूडेंट 10 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा और 10 हो जाएगा, और गेन का जो वैल्यू दिया गया स्टूडेंट क्या दिया है, 1 लिख के 4 को 0 दिया गया, ठीक है। 10 log हो जाएगा स्टूडेंट, 10 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 4 लिख सकते हैं स्टूडेंट। जब log में रहता है तो पावर इधर बाहर आ जाता है, तो 10 गुना क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 और ये log 10 और क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब आर्गुमेंट और बेस समान रहेगा स्टूडेंट उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब आपका हो जाएगा 10 गुना क्या हो जाएगा 4, और इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा 40 और यही आपका क्या हो जाएगा डीबी हो जाएगा स्टूडेंट। इसका मतलब यदि गेन इतना दिया गया उसको डीबी स्केल में कन्वर्ट करना होगा तो ये फॉर्मूला लगाना होगा, इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा 40 डीबी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 डीबी हो जाएगा। तो इतना सारा चीज़ आपको आना चाहिए स्टूडेंट, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और ये आपका एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज को भी आपको याद रखना है, यदि वोल्टेज गेन बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, करंट गेन बोले तो ये फॉर्मूला लगाना है, पावर गेन बोले स्टूडेंट तो क्या करना है ये फॉर्मूला लगा देना है। इसका मतलब स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, तभी जाके आप प्रॉब्लम नंबर 7 को बना सकते हो। चलो स्टूडेंट आप प्रॉब्लम नंबर 8 को जाते हैं, 8 पर समझते हैं। एन ऑसिलेटर यूज्ड, ऑसिलेटर में किस तरह का फीडबैक यूज करते हैं स्टूडेंट वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, एम्पलीफायर में जो हम लोग फीडबैक का यूज करते हैं वो फीडबैक होता है आपका निगेटिव, क्या होता है निगेटिव होता है। आप देखो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट करके लिखा रहे हैं उसको याद रखना है, ठीक है। एम्पलीफायर, एक होता है एम्पलीफायर जो सिग्नल का स्ट्रेंथ को क्या करता है बढ़ाता है, ठीक है, और एक होता है ऑसिलेटर जो क्या करता है फ्रीक्वेंसी वेव को जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ऑसिलेटर का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक होता है एम्पलीफायर, एक होता है ऑसिलेटर, ठीक है। एम्पलीफायर में आपको जो फीडबैक यूज होता है स्टूडेंट जनरली वो फीडबैक कैसा होता है, निगेटिव फीडबैक होता है, आपको याद रखना होगा निगेटिव फीडबैक होता है, आपको ये चीज़ याद रख लेना है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। एम्पलीफायर में हम लोग निगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं और ऑसिलेटर में स्टूडेंट क्या करते हैं पॉजिटिव फीडबैक का यूज करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या करना है याद रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है टिक आउट कर देना फट से। इसका मतलब ऑसिलेटर में फीडबैक होता है आपका पॉजिटिव और एम्पलीफायर में फीडबैक जो होता है वो होता है निगेटिव। इसका मतलब स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 8 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑसिलेटर यूज हैज, ऑसिलेटर में कैसा फीडबैक का यूज करते हैं स्टूडेंट, आपका पॉजिटिव फीडबैक का यूज होता है ऑसिलेटर में। चलो आगे क्यों चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 को देखते हैं स्टूडेंट, 9 का भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। चलो देखो क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ एन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में आपका टेम्परेचर कोफिशियंट कैसा होता है स्टूडेंट, तो आपको बाय हर्ट याद रखना है कि सेमीकंडक्टर, में आपका टेम्परेचर कोफिशियंट कैसा होता है आपको याद रखना होगा, तभी जाके आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। सेमीकंडक्टर में आपका टेम्परेचर कोफिशियंट जो होता है स्टूडेंट वो आपका क्या होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, आपको याद रखना है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है सेमीकंडक्टर में, आपका जो आपका टेम्परेचर कोफिशियंट होता है वो आपका क्या होता है स्टूडेंट, टेम्परेचर कोफिशियंट जो होगा कोफिशियंट जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, कोफिशियंट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, सेमीकंडक्टर में आपका निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है स्टूडेंट। यही आपका यदि कंडक्टर पूछ देता है स्टूडेंट कि कंडक्टर में आपका टेम्परेचर कोफिशियंट कैसा होता है, तो आपको याद रखना होगा एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं कैसा होता है पॉजिटिव, टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, कैसा टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपको याद
रखना है। यदि आप याद रख पाओगे तभी एग्जाम हॉल में क्या कर पाओगे, टिक कर पाओगे। इसका मतलब स्टूडेंट सेमीकंडक्टर में आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है और कंडक्टर में आपका क्या होता है स्टूडेंट पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। और इंसुलेटर में भी क्या होता है स्टूडेंट इंसुलेटर में भी क्या होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। कैसा होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। इसका मतलब कंडक्टर में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट पॉजिटिव हो जाएगा, बाद बाकी दोनों चीज में क्या होगा आपको नेगेटिव होगा। बेहद ईजी कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। यदि आप याद रख पाओगे तभी जाके एग्जाम हॉल में क्या कर पाओगे, टिक कर पाओगे। इसका मतलब स्टूडेंट ये कंटेंट को रेडी करना है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का एक पार्ट है स्टूडेंट। सेमीकंडक्टर बेसिकली डिवाइड होता दो पार्ट में, एक होता है इंट्रेंसिक, दूसरा होता है एक्सटेंसिव। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर होता है, एक्सटेंसिव जो होता है स्टूडेंट अनप्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर होता है। बट इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर रहे चाहे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर रहे, दोनों में टेम्परेचर कोफिशियंट कैसा होगा स्टूडेंट निगेटिव होगा। आपको क्या करना है याद रखना है। यदि आप याद रख पाओगे तभी जाके इस प्रॉब्लम को क्या कर पाओगे स्टूडेंट सॉल्व कर पाओगे। चलो 10 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट। 10 नंबर प्रॉब्लम क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगने जा रहा है स्टूडेंट। यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा सॉल्यूशन वाला प्रॉब्लम है। तो 10 नंबर का प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट, 10 नंबर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करते हैं। ठीक है, एक वेवफॉर्म दिया गया स्टूडेंट, क्या दिया गया, इस तरह का एक वेवफॉर्म दिया गया। चलो वेवफॉर्म को ड्रॉ कर लेते हैं। 0 है आपके स्टूडेंट, ये आपका क्या है 0.1 है, यहां पर आपका क्या है 0.2 है, यहां पर स्टूडेंट क्या है 0.3 है और यहां पर आपका क्या है 0.4 है और यहां पर आपका क्या है एक वेवफॉर्म इस तरह करके दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब समझने का कोशिश करो। अब आपका क्या है यहां पर शायद 12 वोल्ट था। ठीक है, यहां पर क्या था स्टूडेंट 12 वोल्ट था। कितना वोल्ट था 12 वोल्ट था 12। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम छूट रहा है स्टूडेंट, उसको देखते हैं कि वहाँ का वैल्यू क्या था उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा वेरीफाई करके कि वहाँ वैल्यू नहीं रहेगा तो ये प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, मैचिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देख इस प्रॉब्लम का थोड़ा सा देख लेते हैं स्टूडेंट ये प्रॉब्लम क्या था। ठीक है, उसका अपर वैल्यू क्या था। ठीक है, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा देख लेते हैं कि इसका प्रॉब्लम एक्चुअल में था क्या, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था। 20 वोल्ट है स्टूडेंट, क्या है आपका 20 वोल्ट है। ठीक है, ये आपका क्या 20 वोल्ट है, छूट गया था, ये आपका क्या 20 वोल्ट है। ठीक है, चलो स्टूडेंट आपका ये सिग्नल दिया गया, यहाँ पर आपका क्या 20 वोल्ट है। ठीक है, आपको निकालना है, क्या निकालना है एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। ठीक है, एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो इसका फॉर्मूला बताए थे स्टूडेंट कि आपको क्या निकालना है, वी एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, वी एवरेज निकालना है। वी एवरेज का फॉर्मूला बताए थे स्टूडेंट 1/T 0 से लेके टी भी यू और क्या हो जाएगा डीटी हो जाएगा, ये टी के रिस्पेक्ट में तो डीटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा एक टाइम पीरियड होगा, क्योंकि ये 0 से इस तरह स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक आने के बाद फिर यही ग्राफ को क्या करेगा रिपीटेशन करेगा, ये ग्राफ को यहाँ पर से रिपीटेशन कर रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट इसका टाइम पीरियड जो होगा वो क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। 0 से लेकर 0.3 तक इस वेवफॉर्म को क्या करना है इंटीग्रेट करना है, वी इन और क्या हो जाएगा स्टूडेंट डीटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/ क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो 0 से लेकर 0.3 के बीच में कुछ वेवफॉर्म ऐसा है, 0 से लेकर 0.1 तक क्या है, 0 से लेकर 0.1 तक में वेवफॉर्म भी इन का वैल्यू क्या है 20 है, तो 20 डीटी लिखेंगे स्टूडेंट। और आपका 0.1 से लेके 0.3 तक भीन का वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0 है, जिसका मतलब 0 और क्या हो जाएगा डीटी हो जाएगा, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा स्टूडेंट, आपका 20 आपका कॉमन आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे आपको 0 से लेके कहाँ तक करना है 0.1 तक करना है और ये क्या हो जाएगा डीटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा 20 बटा क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा और इसको करेंगे स्टूडेंट तो ये टी आ जाएगा, टी का अपर लिमिट हो जाएगा 0.1, लोअर लिमिट हो जाएगा 0। तो 20 और क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0.3 और क्या हो जाएगा ये 0.1 हो जाएगा, ये कट गया स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा 20 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6.67 क्या हो जाएगा वोल्ट आ जाएगा। इसको आप एवरेज वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, ये आपका फॉर्मूला मेथड स्टूडेंट, ये आपको बताया फॉर्मूला से कैसे करना है 1/T 0 से लेकर टी वी इन डीटी। अब देखो टाइम पीरियड एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है स्टूडेंट उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड आपका 0.3 होगा, टी का वैल्यू 0.3, टी के जगह पर 0.3 रखेंगे। ये वेवफॉर्म दो भाग में डिवाइड होगा स्टूडेंट, 0 से लेकर 0.1 के बीच में जो वेवफॉर्म का वैल्यू है 20 है और 0.1 से लेकर 0.3 के बीच में क्या है 0 है। इसका मतलब 0 से लेकर 0.1 के बीच में 20 डीटी होगा और आपका 0.1 से लेकर 0.3 के बीच में 0 डीटी होगा। 0 से किसी भी चीज को गुणा करेंगे स्टूडेंट ये 0 हो जाएगा। सिंपल इस पार्ट को क्या करना है इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट अप करना है, उसको सॉल्व कर देना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा।
इसका मतलब इस वेव फॉर्म का जो आंसर होगा स्टूडेंट 6.67 वोल्ट आएगा। अब देखो स्टूडेंट, ये यदि आप इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते हो तो एक बेहद इजी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्या करना है, एरिया निकालना एक टाइम पीरियड के लिए। एक टाइम पीरियड के लिए क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया अंडर द वन साइकिल, एरिया अंडर द वन साइकिल, एरिया लिखो फॉर्मूला, एरिया अंडर अंडर वन साइकिल, एरिया अंडर वन साइकिल। एक साइकिल के लिए क्या निकालना है स्टूडेंट, एरिया निकालना, डिवाइडिंग बाई क्या करना है, टाइम पीरियड, डिवाइडिंग बाई क्या करना है, टाइम पीरियड करना। ये आपका दूसरा मेथड है स्टूडेंट, एरिया अंडर द वन साइकिल डिवाइडिंग बाय द टाइम पीरियड, ये आपका दूसरा मेथड है एरिया अंडर द वन साइकिल। मतलब इसका स्टूडेंट क्या करना है, एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया हो जाएगा क्या, इस जगह स्टूडेंट ये आपका क्या है, ये आपका हाइट है और ये आपका क्या ब्रेथ है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेंगे तो 20 गुना क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा इसका एरिया। ये आपका क्या है, एरिया निकल जाएगा, ये रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा, लेंथ इंटू क्या हो जाएगा ब्रेथ, लेंथ मान लेते हैं 0.1 है, ब्रेथ आपका 20 है, गुना कर लेंगे। चलो आप देखो स्टूडेंट, इसका आपका लेंथ है बट ब्रेथ आपका क्या है, लेंथ कुछ है बट ब्रेथ क्या है, जीरो है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जीरो गुना समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक टाइम पीरियड मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0.3 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। तो 20 गुना 0.1 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, 20 बाई क्या हो जाएगा 3, इसको सॉल्व करेंगे 667 क्या हो जाएगा वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट इस मेथड से भी बन रहा है, इस फॉर्मूले मेथड से भी बन रहा है। इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाए तो आपका जो वैल्यू होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू हो जाएगा। इस तरह करके स्टूडेंट क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। चलो स्टूडेंट अब देखते हैं इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू को कैसे निकालेंगे। यहां तक आपका क्या था स्टूडेंट, एवरेज वैल्यू था। अब आपको क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है। इस वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो वो देखो कि इस वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इस वेवफॉर्म का जो आरएमएस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, वो आपको देखना है कि इस वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू को आप कैसे निकाल पाओगे। चलो अब देखो ध्यान दो, इस वेवफॉर्म का हम आरएमएस वैल्यू को निकालते हैं। आरएमएस वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वी आरएमएस निकालना, क्या निकालना, वी आरएमएस निकालना, इसका फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखना है, रूट ओवर वन बाई टी जीरो से लेके क्या होगा टी होगा और भी इन का स्क्वायर और क्या हो जाएगा स्टूडेंट डीटी हो जाएगा। ये फॉर्मूला इसको याद रखना, ठीक है। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेंगे तो वी आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई टी और क्या हो जाएगा स्टूडेंट जीरो से लेके टी, वी इन का क्या हो जाएगा स्क्वायर और क्या हो जाएगा डीटी हो जाएगा, ठीक है। टी का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा 0.3 होगा, एक टाइम पीरियड के लिए निकालना है तो ये हो जाएगा 0. क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा। अब क्या होगा जीरो से लेके कहाँ तक करना है 0.3 तक करना है, वी इन का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा और डीटी हो जाएगा। अब वी इन दो भाग में ब्रेक होगा, आपको पता है वी इन दो भाग में ब्रेक होगा, एक जीरो से लेकर कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट 0.1 तक जाएगा। उस कंडीशन में वी इन का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और डीटी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट खींच लेंगे और स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा एक 0.1 से लेकर कहाँ तक जाएगा 0.3 तक जाएगा, उसमें वी इन का वैल्यू क्या है जीरो है, तो जीरो का क्या करेंगे स्टूडेंट स्क्वायर और क्या करेंगे डीटी करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। अब देखो 1/0.3 हो जाएगा स्टूडेंट। अब इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेकर कहाँ तक 0.1 तक, इसको इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट तो 400 क्या हो जाएगा डीटी आ जाएगा, ठीक है 400 डीटी आ जाएगा। 400 को बाहर करेंगे स्टूडेंट, 400 को बाहर किए यहाँ पर क्या हो गया 0.3 आ गया, ठीक है। 0.3 आने के बाद स्टूडेंट इसको यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा टी अपर लिमिट हो जाएगा 0.1, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब स्टूडेंट क्या हो जाएगा 400 भागा क्या हो जाएगा 0.3 और गुना क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो आपका बचेगा क्या, इतना बचेगा 400 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 400 बटा कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट वी आरएमएस स्क्वायर का वैल्यू आया 400/3, 3 को भाग दे देंगे स्टूडेंट 400 से तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा स्टूडेंट। ये इसको कैंसिल करेंगे ये 1 आएगा, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3×3 9 हो जाएगा, 1 आ जाएगा फिर हो जाएगा 3×3 9 हो जाएगा स्टूडेंट। तो मतलब 133 पॉइंट क्या होगा 133 पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा आपका वी आरएमएस का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर को हटाएंगे स्टूडेंट तो वी आरएमएस इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर क्या हो जाएगा 133 पॉइंट क्या आ जाएगा 3 और वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा रूट ओवर 133 पॉइंट क्या होगा 3 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा डी आ जाएगा। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे किसी भी वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब आपको क्या करना आना चाहिए स्टूडेंट, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा तभी जाके आप इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो सॉल्विंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ये आपका आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। आपको यहां से लेके यहां तक क्या करना है नोट्स बना लेना है। चलो अब लास्ट नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर क्या है आपका 11 है। 11 प्रॉब्लम को कैसे आप हैंडल करोगे, चलो आप देखो 11 प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे। अब 11 प्रॉब्लम लास्ट प्रॉब्लम है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है,
चलो स्टूडेंट आप क्या है 11 प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, ए सिंक्रोनस मोटर रन ऑफ द, एक सिंक्रोनस मोटर है जो आपका स्पीड कितने स्पीड से रन कर रहा है, वो आपका कितने स्पीड से रन कर रहा है 600 आरपीएम से क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो 600 आरपीएम से रन करने के लिए उसमें पोल और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो एक आपका पोल दिया गया है स्टूडेंट 12, एक में पोल दिया गया आपका 10, एक में पोल दिया गया है स्टूडेंट 12 और एक में पोल दिया गया आपका 8, ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका स्टूडेंट क्या दिया गया, फ्रीक्वेंसी दिया गया, चारों केस में आपका फ्रीक्वेंसी है। पहला केस में फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया स्टूडेंट 60 हर्ट्ज दिया गया है, दूसरे में भी क्या दिया गया 60 हर्ट्ज दिया गया, तीसरे में आपका क्या दिया गया स्टूडेंट 50 हर्ट्ज दिया गया, और लास्ट में स्टूडेंट आपका दिया गया 50 हर्ट्ज दिया गया, ठीक है। चलो आप देखो स्टूडेंट आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करते हैं वो आप कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक सिंक्रोनस मोटर है जिसका स्पीड आपका क्या है 600 आरपीएम है, और इसमें पूछ रहा है कि 600 आरपीएम में रन करने के लिए आपका पोल और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 120 f/p क्या होता है, पी होता है, 120 f/p क्या होता है स्टूडेंट, पी होता है। चलो अब देखो अब चीज़ों को समझने का कोशिश करो, यदि सिंक्रोनस स्पीड यदि आपका स्टूडेंट सिंक्रोनस स्पीड कितना है स्टूडेंट 600 है, 600 रख दिए आप देखो 160 और f बटा क्या रखते हैं, पी रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 600 बटा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा और f बटा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक है। f बटा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट तो 12 पचे कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और पोल का जो रेशियो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब कोई एक ऑप्शन उठाओ और देखो कि किसमें आपका 5 आ रहा है, किसमें आपका क्या आ रहा है 5 आ रहा है, फ्रीक्वेंसी और पोल का रेशियो किसमें आपका 5 आ रहा है। चलो स्टूडेंट देखते हैं, पहला ऑप्शन को उठाते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपका 60 है और पोल का वैल्यू 12 है, 12 पचे कितना है 60 है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन क्या हो रहा है स्टूडेंट सेटिस्फाइड कर रहा है। इस रिलेशन को कौन सेटिस्फाइड करेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इस रिलेशन को जो सेटिस्फाइड कर लेगा स्टूडेंट वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एनएस इज इक्वल टू क्या होता है 120 एफ बाई पी होता है, एनएस का वैल्यू दिया गया 600। अब देखो स्टूडेंट यहां पर 120 को इधर लाएंगे तो एफ बाई पी का वैल्यू जो होगा 5 होगा, तो एफ बाई पी का वैल्यू जो 5 होगा मतलब फ्रीक्वेंसी और पोल का रेशियो क्या होगा 5 होगा। अब देखो स्टूडेंट एक एक ऑप्शन को क्या करो सेटिस्फाइड करो, इस इक्वेशन में डालो, किसमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो रहा। अब देखो स्टूडेंट यदि फ्रीक्वेंसी आपका 60 रखेंगे और पोल का वैल्यू 12 रखेंगे तो 12 पचे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट आरएचएस हो जाएगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम को आपको क्या करना है स्टूडेंट इसी तरह करके क्या करना है सॉल्विंग करना है, तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आना चाहिए तभी जाकर आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग कर सकते हो। तो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्लास था स्टूडेंट, 11 प्रॉब्लम था बट बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला। आपको क्या करना है इस तरह कॉन्सेप्ट को क्या करना है रिटेन करना है, नोट्स बनाना है, बार बार रिविजन करना है, तभी जाके आपको एग्जाम हॉल में क्या होगा स्टूडेंट बेनिफिट होगा। तो आपको स्टूडेंट क्या करना है सभी प्रॉब्लम को आपको नोट्स बना लेना, प्रॉपर ढंग से पढ़ना है, प्रॉपर ढंग से रिवीजन करना है, और सभी आंसर को क्या करना बारीकी से याद रखना है, बारीकी से कॉन्सेप्ट को याद रखना है, तो आपको एग्जाम हॉल में बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेना है। वंदे मातरम स्टूडेंट।